हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग मैं शुरू करने वाला हूँ। रात को मैं ब्लॉग कर नहीं पाया क्योंकि मैच देख रहे थे, ठीक है, और बहुत दुख हुआ, इंडिया हार गई। तो चलिए दोस्तों, आज सुबह सुबह प्रमोद भैया से मिलते हैं। तो मिलते हैं प्रमोद भैया से। प्रमोद भैया, कैसे हो आप? हेलो दोस्तों। आपने नए नए कपड़े पहन रखे हैं, घूमी घूमी जा रहे हो आप? पढ़ाने जा रहे हैं क्या यार, आप बनियान जबरदस्त रख रखी है। घूमना क्या होता है, ये हमारी जो पुरानी बनियान होती कपड़े के काम में आती नहीं, हमारी नई वाली भी हम पूरा नहीं कर देते हैं। ये 2 महीने में हमारी बनियान पूरा नहीं हो जाती है। क्या है, सर्दियां है ना, कपड़े नहीं धुलते दोस्तों। तो प्रमोद भैया, कहाँ जा रहे हो आप पढ़ाने? पढ़ाने और सही है। तो अभी आप क्या कर रहे हो आज? आज हम चाय बना रहे हैं सुबह सुबह अपने हाथों से। नहीं, के हाथों से। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो आप? इलायची। आप इलायची डालते हो चाय? अदरक खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है, सर्दी आ चुकी है, गर्मी आ चुकी है, सर्दी जा चुकी है, इसलिए मैं इलायची डाल। तो कल आपने जो आलू की सब्जी बनी थी, आपको कैसी लगी? हाँ, अच्छी लगी। कल की सब्जी, कल बिना प्याज और लहसुन के बनाई थी। और जो आपने वो बनाई थी कल, क्या? फिर गोभी फ्राई कैसी लगी आपको अपने हाथ की? है? एक दिन पुरानी हो गई ना। तो आपको अपने हाथ की सब्जी ही अच्छी लगती है, दूसरे हाथ की भी सब्जी अच्छी लगती है? कोई दूसरा बनाते तो बहुत अच्छी लगती है। लगती तो नहीं है यार, आप उसमें कमी निकालते हो। नहीं है, मैं नहीं, आप खाते नहीं हो ना, आप बोलते कमी निकाल जा रहे हैं यार, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, ऐसा है यार। खुद को बनानी नहीं होती, इसलिए सामने वाले बोलते नहीं तू अच्छी बनाता यार, तू ही बना दे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभी आप ओवरऑल अपने सामाजिक रूप से आपके बराबर कोई खाना बना सकता है, वो दे सकते हैं, जो कौन? पुरानी जो अच्छी कुक है उनको भी दे सकते हैं या उनको भी नहीं आता बनाना? ऐसा नहीं, गलत बात हो जाएगी। गलत बात हो जाएगी, इतने भी एक्सपर्ट नहीं है, इतने एक्सपर्ट है। ठीक है, हो गए धीरे धीरे। ठीक है, तो सुबह की चाय, ये कहानी गरम हो रही है, चाय पत्ती उधर पड़ी ली है। अगर किसी को चाय बनानी नहीं आती तो हमारा ब्लॉग देख के वो चाय बना सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप उबलते हुए खोलते हुए पानी के अंदर क्या डाले, इलायची का पाउडर या अदरक डाले? जो पहले जो है उसको गर्म पानी उबाल ले, पका ले, और उबलते पानी में 1 मिनट 1 मिनट पका के उसके बाद इसमें उबलते पानी में चाय पत्ती डालनी चाहिए। चाय पत्ती ठंडे पानी में डालने पर चाय का टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है, ये रियल टेस्ट जो है उबलते पानी में डालने। चलो दिक्कत है, चाय बनाना सीखो। देखो आगे लाओ, ये उल्टा कैसे चल रहा है? 49:50। हाँ, 49:50। हाँ ठीक है, तो ये डाल, उबलते हुए पानी में डालनी है चाय पत्ती, ऐसे बाहर आनी चाहिए, देख लो सीधा डूबेगी जैसे। ये देखिए दोस्तों, जिस सब्जी का उफान आता है ना उसमें चाय पत्ती जो है, उसके बाद आप सीधी चीनी डाल सकते हैं। क्या हिसाब क्या है चाय का? चाय का जितने कप चाय बनानी उतनी चम्मच चाय पत्ती डाल दो। ठीक है, सीधा सरूल है, और जितना आपने चाय लिया पानी लिया है, जितने कप बना उसका आधा दूध डालना है। ओके, बस चाय तैयार हो गया। ये बात है क्या? चलिए तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कल रात की सब्जी हमने कौन सी बनाई थी। ये रही आलू की सब्जी, जो हमने बिना लहसुन प्याज के बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी चाय बन चुकी है, जैसे कि प्रमोद भैया ने हमेशा चाय बनाती है, बना रखी है। तो प्रमोद भैया, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है चाय बनाने का? थोड़ा और पुराना एक्सपीरियंस है। तो हेलो दोस्तों, ये मैंने इमाम मैम की पोर्ट्रेट बनाई थी, तो बस मैंने आज इतना ही ड्रॉ किया था। चलिए दोस्तों, बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं कल। जय हिंद, बाय।